नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपने बैंक बैलेंस और संपत्तियों का लेटेस्ट अपडेट दिया है। आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एसेट रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 तक शाह की घोषित संपत्ति 28,63,00,000 रुपए की है। पिछले साल अमित शाह ने अपनी संपत्ति 32,00,00,000 रुपए घोषित की थी। इसका मतलब ये कि अमित शाह को इस साल करीब 3,67,00,000 रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले अमित शाह की संपत्ति में नुकसान शेयरों में गिरावट की वजह से आई है। वहीं आपको बता दें, देश के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बाकी कैबिनेट मंत्रियों के मुकाबले बहुत कम संपत्ति है। उनके पास करीब 1,34,00,000 रुपए की संपत्ति है। उनके पास अपने पति के साथ संयुक्त हिस्सेदारी के रूप में 99,00,000 रुपए की कीमत का एक मकान है। इसके अलावा उनके पास करीब 16,00,000 रुपए कीमत की एक गैर कृषि भूमि भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास उनके अपने नाम की कोई कार नहीं है। उनके पास एक बजाज चेतक ब्रांड का पुराना स्कूटर है, जिसकी कीमत करीब 28,200 रुपए आंकी गई है। उनकी कुल चल संपत्ति करीब 18,04,000 रुपए है। निर्मला सीतारमण पर देनदारी के रूप में 19 साल तक का एक लोन है, 1 साल का ओवरड्राफ्ट और 10 साल का मॉर्टगेज लोन है। वही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उनकी पत्नी और उनके परिवार के पास कुल मिलाकर 2,97,00,000 रुपए की चल संपत्ति है। इस परिवार के पास कुल 15,98,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। नितिन गडकरी के पास कुल 6 गाड़ियां हैं। वहीं बात करें वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल की, तो इनके पास करीब 27,47,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति है। हालांकि उनसे ज्यादा अमीर उनकी पत्नी सीमा गोयल हैं, जिनके पास कुल करीब 50,34,00,000 रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें, पीयूष गोयल मोदी कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्रियों में से हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास अचल संपत्ति के रूप में कुल 3,89,00,000 रुपए की 3 प्रॉपर्टी है। इनमें से एक उन्हें विरासत में मिली है तो 2 उन्होंने खुद अर्जित की है। रविशंकर प्रसाद ने करीब 16,05,00,000 रुपए का निवेश कर रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।